दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का एमके इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल गुरु यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मेरे पास में एक लोकल सीआरटी टीवी आया हुआ है। जिस टीवी का प्रॉब्लम आप देखेंगे तो इसमें कुछ अलग प्रॉब्लम है। ये स्क्रीन हमारा पूरा आ रहा है और कभी कभार क्या होता है अपने आप ये हमारा ब्लिंकिंग करके बंद हो जाता है, फिर हमारा अपने आप आता है। तो यही प्रॉब्लम है जो इस टीवी का आज हम रिपेयर करने वाले हैं। और इस प्रॉब्लम में कौन सा स्पेयर पार्ट्स हमारा ख़राब होता है उसको हम आपको दिखाएंगे और इसको रिपेयर करके हम आपको दिखाएंगे। तो एक बार मैं फिर से प्लग लगा दिया है और इसका आप सिचुएशन देख सकते हैं। एक बार हमारा फुल स्क्रीन आ गया है, टीवी ऑन हो गया है, लेकिन यहीं पर थोड़ी देर आप देखते रहिएगा तो ये झपक के चला जाता है, इसका पिक्चर बंद हो जाता है, स्क्रीन चला जाता है, फिर अपने आप ऑटोमेटिक है इसका स्क्रीन, ये आप देख सकते हैं ये आ रहा है। और यही प्रॉब्लम है जो काफ़ी परेशान कर सकता है। अगर आपको ये नहीं जानकारी है जो इस प्रॉब्लम में हम कौन सा स्पेयर को खोलें, निकालें, चेंज करें, तो वीडियो पे बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसी तरह से नए नए टेक्नोलॉजी के साथ में नया नया वीडियो देता रहता हूँ मेरे चैनल पे। आपको कई तरह के LCD, LED, TV, अनेकों तरह के TV का रिपेयर का जो है वीडियो मिल जाएगा। आप अगर नहीं देखे हैं तो चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस TV को ओपन करेंगे और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि इसका फॉल्ट कहाँ से होता है। तो आप देख सकते हैं मैंने TV ओपन कर लिया है और ओपन करने के बाद में मैं देख रहा हूँ इसमें काफ़ी डस्ट है और कई दिनों से लगता है जो ये खुला नहीं है TV। तो दोस्तों इस सिचुएशन में आपको कहीं भी इधर से उधर आपको ज़्यादा माइंड दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपको क्या करना होगा, इसका सप्लाई को चेक करना होगा और सप्लाई को चेक करने के बाद में आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। तो चलिए मैं मीटर को DC 200 रेंज पे सेट कर लेता हूँ और इसका जो 110 वोल्ट सप्लाई हमारा है आउट करता, उस सप्लाई को हम एक बार चेक करेंगे। और ये हम चेक करेंगे वहाँ पे जो हमारा सप्लाई कभी जैसे स्क्रीन पे आ रहा है और जा रहा है तो ऐसे ही यहाँ पे भी जंपिंग कर रही है। तो यहाँ पे जहाँ तक मुझे अभी सप्लाई नहीं मिल रहा है तो हो सकता है जो प्लग पॉइंट वगैरह कोई लूज है। तो अभी हमने प्लग पॉइंट सही कर दिया है और हमारा सप्लाई यहाँ पे आ रही है। आप जो ये 9.2.1 देख रहे हैं ये मेरे मीटर में प्रॉब्लम आ गया है, इस वजह से ऐसा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे जो सप्लाई आ रही है 92 वोल्ट आ रही है, तो आप ये 9.2 को मत देखें। और ये हमारा बीच में पॉइंट का प्रॉब्लम आ रही है मीटर में। तो यहाँ हमें दिख रहा है जो 91 वोल्ट, यहाँ पे 91 वोल्ट आ रहा है। और कभी अगर हम ये सोच करके यहाँ पे मीटर से चेक किए हैं कि जंप करेगा सप्लाई, लेकिन सप्लाई जंप नहीं कर रहा है। और अभी मैं एक बार आपको TV स्क्रीन के सामने चलता हूँ और दिखाता हूँ जो हमारा TV का जो प्रॉब्लम है वो अभी सेम है। तो चलिए चलते हैं TV स्क्रीन के सामने और आप देख सकते हैं जो अभी तो हमारा ये पिक्चर स्क्रीन पे आ रही है। और अभी कुछ देर आप इंतज़ार करें। तो एक बार मैं इसका प्लग निकालता हूँ और ये मैंने लगाया तो आप देख सकते हैं फिर से हमारा वही सेम प्रॉब्लम ब्लिंकिंग की, जो स्क्रीन आ रहा है और जा रहा है। यानी आप ये देख करके सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम अभी सेम है। जहाँ की वोल्टेज मैंने चेक किया वहाँ पे जो माइनस प्लस होना चाहिए वोल्टेज माइनस प्लस नहीं हो रही है। अच्छा, अब इस सिचुएशन में ये कन्फ्यूजन है कि आखिर कौन सा ऐसा स्पेयर पार्ट्स है जिसको कि हमें देखना पड़ेगा और बदलना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, जो हमारा प्रीसेट लगा हुआ रहता है वोल्टेज एडजस्टिंग के लिए, वो प्रीसेट अगर हमारा ये ख़राब हो जाता है तो इस तरह का फॉल्ट हमें देखने को मिलता है। तो पहले भी मैंने इस तरह के प्रॉब्लम में ऐसा फॉल्ट देखा है, ऐसा स्पेयर पार्ट्स ख़राब होते हुए देखा है। तो चलिए मैं आप दोस्तों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं इस प्रीसेट को चेंज करता हूँ और फिर मैं ये देखता हूँ कि हमारा जो फॉल्ट है वो ठीक हुआ या नहीं हुआ। ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर मैं अगला प्रोसेस क्या है मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ।
तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं मैंने इसको लगा दिया है और लगाने के बाद में टीवी भी कॉर्ड लगा दिया है और अभी मेरा टीवी चालू है। जो हमारा ये प्रीसेट है ये अगर इसमें कार्बन लग जाता है किसी कारण से इसका रेजिस्टेंस कट जाता है तो आपका ये काम करना बंद कर देता है। तो इसी सिचुएशन में आपको क्या होगा, ऐसे ही पिक्चर कभी स्क्रीन पे आएगा कभी चला जाएगा। तो ये मैंने इसलिए इसको बदला है कि मैं ये एक चीज़ नोटिस करता था जो ये रीस्टार्ट होता था। रीस्टार्ट होने का कारण यही होता है जो ESD पे सप्लाई कभी जाता है कभी नहीं जाता है मीटर, हालांकि हमारा नहीं बताया लेकिन हमने यही चीज़ थिंकिंग रखा मन में कि ये यहीं से हो सकता है। तो आई होप कि आपको भी ये समझ में आ गया होगा जो इस तरह के फॉल्ट में हमें कौन सा स्पेयर चेंज करना है। तो फिर से मिलते हैं नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो के विषय में कमेंट्स कीजिएगा। फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।